नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 4 का पार्ट 3 की गहरी और समुद्र इस कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी में क्या होता है कि एक पक्षी जो कि मतलब एक छोटा सा टिटहरी, वो क्या करता है, वो एक संकल्प लेता है और अपने संकल्प के आगे समुद्र को भी झुका देता है। उसका एक दृढ़ संकल्प होता है कि मैं उसको झुका लूंगा और वो इस चीज को करने में सफल भी होता है। और वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने ठान ली थी, और जब उसने ठान लिया तो उसने मुश्किलों का सामना करने से उसे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई। इस कहानी में क्या होता है कि एक समुद्र का तट होता है जिस पर क्या होता है, टिटहरी का एक जोड़ा रहता है, मतलब मम्मा पापा रहते हैं टिटहरी दोनों लोग। तो क्या होता है, टिटहरी ने अंडे दिए होते हैं। जब टिटहरी ने अंडे दिए तो समुद्र ने क्या किया, उसने विकराल रूप धारण किया। विकराल मतलब उसने एक बहुत ही विशाल रूप धारण किया, भयानक रूप धारण किया, और क्या किया, टिटहरी के अंडों को छिपा दिया। कई दिनों तक टिटहरी बेचारी अपने अंडों को ढूंढती रही, उसको उसके अंडे नहीं मिले। फिर उसको समझ में आ गया कि ये जरूर ये करतूत समुद्र ने की है, उसने ही उसके अंडों को छिपाया है। अब वो बेचारी रोज उससे मिन्नतें करने लगी, उससे प्रार्थना करने लगी कि वो उसके अंडों को वापस कर दे। लेकिन जो समुद्र था वो बिल्कुल भी द्रवित नहीं हुआ, उसको उसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आई कि वो उसके अंडों को वापस कर दे। टिटहरी ने जब उसने सोच लिया कि अभी वापस नहीं करे, तो उसने निश्चय किया कि मैं समुद्र को पाट दूंगी। मतलब उसने ये सोच लिया कि मैं क्या करूंगी, अपनी चोंच में छोटी सी टिटहरी, उसकी छोटी सी चोंच, उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं समुद्र को पाट दूंगी और वो अपनी चोंच में रेत भरती और जाकर के समुद्र में डाल देती। अब ये सोचने वाली बात है कि कितना विशाल समुद्र और एक छोटा सा टिटहरी। उसने फिर भी क्या किया, वो बार बार अपनी चोंच में रेत को भरती और उसको ले जाकर के समुद्र में डालती। जब वो ये कार्य लगातार करने लगी तो समुद्र ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, टिटहरी का मजाक उड़ाते हुए बोला कि सुनो, तुम्हारे ये जो तुम कर रही हो, मतलब ये जो जितने भी प्रयास कर रही हो, जितनी कोशिशें कर रही हो, सारे बेकार हैं। हम इतने विशाल हैं, मतलब हम इतने ज्यादा विशाल हैं कि हमें तुम क्या, इस संसार में कोई भी नहीं सुखा सकता। लेकिन जो टिटहरी थी उसने संकल्प लिया हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल उस पर अटल थी। उसने समुद्र से कहा, मैं अपने अंडों को पाने के लिए निरंतर प्रयास करती रहूंगी, यदि यही नहीं, जब तक कि मेरे प्राण है, मतलब जब तक कि मेरे सांसें चल रही, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक कि मैं ये प्रयास करती रहूंगी। समुद्र और टिटहरी की बात समुद्र ने टिटहरी की एक भी ना सुनी। फिर क्या हुआ, वो अपने घमंड में चूर रहा। टिटहरी और समुद्र दोनों जो बातें कर रहे थे, तो ये बात उनकी महर्षि अगस्त वो भी सुन रहे थे, मतलब उन दोनों का संवाद, वो जो दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उनकी बातें महर्षि अगस्त भी सुन रहे थे। तो जब महर्षि अगस्त वहां पहुंचे तो उन्होंने भी टिटहरी का पक्ष लेते हुए, मतलब उसकी तरफ उसकी साइड से बोला कि जब वो तुमसे इतनी मिन्नतें कर रही है, और उन्होंने भी उससे आग्रह किया, उससे प्रार्थना की कि तू समुद्र अपने अंडों को उसे वापस कर दे। अब समुद्र ने, मतलब वो घमंडी था ना, तो उसने जो महर्षि अगस्त थे उनसे बोला कि आप इतने तपस्वी हैं, इतने महान मतलब मुनि हैं, लेकिन आप भी मुझे सुखा नहीं सकते। बस जो महर्षि अगस्त थे उन्होंने क्या किया, अपने तप के बल से जो समुद्र था उसको हथेली पर ले लिया। मतलब जो इतना विशाल समुद्र था उसको उन्होंने सिर्फ हथेली भर ले लिया, मतलब वो समुद्र सिर्फ उनकी हथेली के जितना जल उतना रह गया। अब जब समुद्र ने देखा कि महर्षि ने सच में उसको अपनी हथेली पे ले लिया, तब उसको अपने अस्तित्व की चिंता होने लगी। उसको यही लगा कि कहीं महर्षि उसे पीकर समाप्त ना कर दें। बस उसने महर्षि से क्षमा मांगी और उनसे बोला कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मैं टिटहरी के अंडों को वापस कर देता हूँ। और फिर उसने टिटहरी के अंडों को वापस कर दिया। तब दयालु जो महर्षि अगस्त होते हैं, जो जितने भी मुनि होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको समुद्र को छोड़ दिया, मतलब वापस से उसको फ्री कर दिया, और कहा कि कभी किसी कमजोर को सताना नहीं चाहिए। मतलब कभी किसी को ये समझ करके नहीं सताना चाहिए कि कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता, और अपने बल का मतलब अपनी ताकत का मिथ्या अभिमान नहीं करना चाहिए। जैसे जो हमारी ताकत, उस पर बेफालतू में झूठ में घमंड नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में जो टिटहरी थी उसको उसके अंडे मिल गए, वो अपने अंडे पाकर के बहुत खुश हुई और उसने महर्षि अगस्त को धन्यवाद दिया। तो ये अच्छी सी स्टोरी थी जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी अपने मतलब जो भी हमारे आसपास हैं या हमारे
अगल बगल में या फिर हमारे घर में ही कोई कमजोर है या कोई पक्षी है जो जिस जो थोड़ा सा कमजोर है, हमें उसको सताना नहीं चाहिए। और अगर मान लीजिए हम बहुत ताकतवर हैं या हम बहुत शक्तिशाली, तो हमें अपनी शक्ति का झूठा घमंड भी नहीं करना चाहिए। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, छोटा सा चैप्टर है। एक काम करिएगा, आप लोग पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद वैसे तो आपके जो नोट्स हैं उसको मित्रा पर अपडेट हो चुके हैं और आपने कॉपी भी कर लिया होगा, लेकिन अगर अभी तक आपने अपने नोट्स कॉपी नहीं किए तो आप इसको मित्रा से अपने नोट्स अपनी कॉपी में कॉपी कर लेंगे और जो बुक के नोट्स होंगे बुक में कॉपी कर लेंगे। तब तक कि आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।